हमारी बात हुई थी, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक्स आपको करवा रहे थे, और उस बेसिक में हमारी बात जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर की हुई थी। हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, आज उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे लेते हैं, क्योंकि चार क्वांटम नंबर्स हैं हमारे पास, और चारों क्वांटम नंबर में जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, अभी आपके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिंक मैंने अपने ही नंबर से डाला है, वो मेरा ही नंबर है, किसी और का नंबर नहीं है, आप उसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चार क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन चार में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, और जिसने भी आप बात करनी हो काइंडली चैट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, माइक पे बात कीजिएगा। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किस शेल में है वो ये बता रहा था। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बता रहा था कि उस शेल के अंदर कौन सा सब शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। इस पूरी बात को समझाने के लिए मैंने कॉमन एग्जाम्पल से अपनी इस बात को रिलेट किया था कि जैसे हम एक शहर में रहते हैं, हमारे शहर का नाम कराची है, इस कराची शहर का एक मोहल्ला है फेडरल एरिया ब्लॉक 20, उसमें मैं रहता हूँ, और उस लाइक फेडरल एरिया ब्लॉक 20 के अंदर एक अपार्टमेंट है, रिलैक्स अपार्टमेंट, उसमें मैं रहता हूँ। तो इस एग्जाम्पल से मैंने कोरिलेट किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की एग्जाम्पल को, कि किसी इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ ऐसी सिलसिला होता है कि जैसे हमारे यहाँ एक शहर, फिर मोहल्ला, फिर उस मोहल्ले में कोई घर होता है जिसमें हम रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ ऐसी सिलसिला है कि इनका पहले समझ लें शहर है, फिर मोहल्ला है, और फिर उस मोहल्ले में कोई घर है जिसमें ये रहते हैं। तो हमने पहले शहर की बात की थी जिसको हमने तशबीह दी थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की थी जिसको हमने शहर से तशबीह दी थी, फिर हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात की थी जिसको हमने मोहल्ले से तशबीह दी थी अपनी एग्जाम्पल में, और अब तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं, और तीसरा हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको हम M से डिनोट करते हैं बेटा, और मैं आप लोगों से बात कर रहा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को स्मॉल M से डिनोट किया जाता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम M इज इक्वल टू प्लस माइनस L लेते हैं। अगर आप लोगों को बेटा याद हो तो L हम कह रहे थे अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो L हम कह रहे थे अजीमुथल क्वांटम नंबर को, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी वैल्यू वही होती है जो अजीमुथल क्वांटम नंबर की होती है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 भी होती है अजीमुथल में, लेकिन 0 में प्लस और माइनस का चक्कर नहीं होता, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू होती है उसको माइनस से स्टार्ट करते हैं और प्लस तक लेकर जाते हैं। मेरी बात थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, मैं भी समझाता हूं कि शायद क्लियर हो जाए। देखो, जैसे मैंने कल बताया कि अजीमुथल क्वांटम नंबर S की वैल्यू 0 होती है, P की वैल्यू 1 होती है, D की वैल्यू 2 होती है, और F की वैल्यू 3 होती है। ये मैंने कल बताया, ठीक है। अच्छा, S की वैल्यू 0 है तो 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 में प्लस और माइनस का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। अब आ जाओ P पे। जैसा कि फॉर्मूला बता रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस माइनस ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 1। तो इसको माइनस से शुरू करो, माइनस 1, फिर 0, फिर प्लस 1। इसी तरीके से जब डी में आओगे तो डी में क्या होगा? माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2। बेटा ये माइक बंद कीजिए अपना। थर्ड है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में F। अब देखो सेम इसी तरीके से माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3। यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को माइनस से शुरू करो, प्लस तक ले जाओ,
तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें एटम की एक फर्जी डायग्राम बनाकर समझाता हूँ कि जो मैंने तीनों क्वांटम नंबर समझाए तो ये क्वांटम नंबर आपको किस तरीके से रिलेट करवाते हैं किसी एटम में। इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अच्छा अब देखो, हम एक एटम कंसीडर करते हैं, तो ये इसका न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल। अब न्यूक्लियस के साइड में आपको पता है कि शेल्स होते हैं, तो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तीसरा शेल, चौथा शेल, इसके आगे भी होंगे, फिलहाल मैंने चार ही बने। ठीक है, अब देखो जो पहला शेल है, तीन क्वांटम नंबर पढ़ा दी ना, प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक। पहला शेल है तो पहले शेल में एन की वैल्यू क्या होगी? वन होगी, सही है। अच्छा अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो जो एन की वैल्यू होती है उसमें से वन माइनस कर देते हैं तो अजीमुथल की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है? वन। अगर मैं वन में से वन माइनस करूंगा तो आंसर क्या बचेगा? जीरो। अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई जीरो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? जो अजीमुथल की होती है वही होती है, एम विल बी जीरो। इसका ये मतलब है कि ये पहला शहर है, यानी कि ये शहर है, सही है। इस शहर में एक मोहल्ला है और उस एक मोहल्ले में एक घर है, तो इलेक्ट्रॉन असल में इस घर में होता है। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, गलत नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इस मोहल्ले में, गलत नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इस घर में, गलत नहीं कह रहे। नाइन में बच्चे को सिर्फ शहर तक की पहचान बताई जाती है, फर्स्ट ईयर में बच्चे को मोहल्ला और घर भी बताया जाता है। बात समझ में आ गई? अब सेकेंड ईयर में मैं चूंकि ये बताया नहीं जाता, मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं पुरानी बात। ये घर है, ये शहर, ये मोहल्ला, ये घर। अभी मैं और शेल्स का भी बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। अब आ जाओ जरा दूसरे शेल पर। अच्छा दूसरे शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? n इज इक्वल टू टू होगा, दूसरा शेल ये वाला। अच्छा अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब निकालनी होती है तो n में से 1 माइनस करते हैं, अगर 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, और जो अजीमुथल की वैल्यू होती है वही मैग्नेटिक की वैल्यू होती है, बस प्लस माइनस 1 होता है। अब इस बात का मतलब क्या है सर सारा? अच्छा अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 का मतलब होता है पी, याद रखना कि अजीमुथल 0 जो होता है वो होता है एस, अजीमुथल 1 जो होता है पी, अजीमुथल 2 जो होता है डी, अजीमुथल 3 जो होता है वो होता है एफ। ठीक है ना, तो यहां पर अजीमुथल 1 नजर आ रहा है तो अजीमुथल 1 का मतलब क्या है? पी। अच्छा एक मसला है, मसला क्या है कि पी आने के लिए एस का होना जरूरी है, यानी एस होगा तो पी आएगा, अगर एस नहीं होगा तो पी नहीं आएगा। कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि दूसरा शेल है, अब दूसरे शेल में कितने मोहल्ले हैं? दूसरे शेल में कितने मोहल्ले? आप बोले सर एक मोहल्ला है पी, मैं बोल रहा हूं नहीं बेटा, एक मोहल्ला नहीं है पी, दो मोहल्ले, क्योंकि पी के आने के लिए जरूरी है एस आए, एस आएगा तो पी आएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे शेल में दो मोहल्ले आ गए, चलो बना लेते हैं। ये रहा एक मोहल्ला और ये रहा दूसरा मोहल्ला। ठीक है, अच्छा जी चलें, ठीक है सर। अब सर दो मोहल्ले तो आपने बना दिए, अब किस मोहल्ले में कितने घर हैं, है ना? तो हमने देखा कि एस वाला जो मोहल्ला होता है उसमें सिर्फ एक ही घर होता है, ये पहले शेल से बात साबित हुई है। तो अगर ये एस वाला मोहल्ला है तो इसमें एक ही घर होगा। ठीक है, अब आ जाओ पी वाले मोहल्ले में। सर पी वाले मोहल्ले में भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? घर की तादाद बता रहा है ना, लिखो माइनस वन से शुरू करो, जीरो और प्लस वन, कितनी आ रही है वैल्यू? वन टू थ्री। इसका मतलब टी वाला जो मोहल्ला है ना उसमें तीन घर हैं, वन टू थ्री, पी वाले मोहल्ले में तीन घर हैं। ये देखो तीन घर, एक
दो तीन, सही है। अब आओ जरा तीसरे शेल पर। तीसरे शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है थ्री। अजीमुथल निकालने के लिए क्या करूं बेटा? माइनस वन, माइनस क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या होगी बेटी? टू, ठीक है। अजीमुथल टू है, इसका मतलब सर इसमें टू का मतलब हुआ डी, यानी इस वाले शेल में कितने मोहल्ले होंगे? एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, जल्दी बताओ। चार, तीन होंगे बेटा। देखो कैसे, एस अकेला है, छोड़ दो, एस के बाद कौन है? पी। अगर पी मोहल्ला कहीं नजर आ रहे हैं तो एस लाजमी होगा, फिर ही पी आएगा। अगर कहीं डी नजर आ रहा है तो इसका मतलब एस और पी लाजमी होंगे, तभी डी आया होगा, सही है ना। तो तीन मोहल्ले बना लेते हैं, तीन मोहल्ले तीसरे शेल में। ये रहा पहला मोहल्ला और ये रहा दूसरा मोहल्ला, ये रहा तीसरा मोहल्ला, सही, तीन मोहल्ले हो गए। चलो अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताते हैं कि घर कितने, सही। एम की वैल्यू कहां से शुरू करनी है? प्लस माइनस टू है ना, प्लस, एम की वैल्यू प्लस माइनस टू, क्या हो गया? माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, ठीक है। यानी कि डी में कितने घर हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, डी में, सही है ना, वेरी गुड। अब देखो एस वाले मोहल्ले में हमें पता है कि भाई कितने घर होते हैं, एस में सर एक ही घर होता है, आगे एक घर। पी में कितने घर होते हैं बेटा? पी में तीन घर होते हैं, अभी तो पढ़ा आप लोगों ने, एक, दो, तीन। टी में कितने घर होते हैं? टी में अभी हमने देखा पांच घर हैं, पांच घर बना लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, सही है, टी में आ गए पांच। अब चौथा वाला जो शेल है उसको देख लेते हैं। चौथे वाले में एन की वैल्यू क्या होगी? फोर। अजीमुथल क्वांटम नंबर बताओ जल्दी से, थ्री होगा ना, लेस देन वन होगा, थ्री। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? प्लस माइनस थ्री। प्लस माइनस थ्री का मतलब क्या है? माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, सात घर है इसमें, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन इसमें मतलब हाउसेज हैं। अच्छा फिर मोहल्ले कितने होंगे भाई? कहानी एफ तक आ गई है, एफ तक आने का मतलब क्या है? पिछले तीन होंगे तभी एफ तक कहानी आई होगी, चार। तो चार मोहल्ले होंगे, वेरी गुड। ये लो भाई, ये आ गया पहला मोहल्ला, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा, ठीक है। तो सबसे पहला मोहल्ला सर कौन सा होता है? एस वाला होता है, एस में सर एक ही घर होता है, हम पढ़ चुके। दूसरा मोहल्ला बेटा पी वाला होता है, पी में तीन घर होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके, एक, दो, तीन। तीसरा मोहल्ला डी वाला होता है, डी में पांच घर होते हैं, ये भी अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, एक, दो, तीन, चार, पांच। चौथा मोहल्ला एफ वाला होता है, ये भी अभी हमने पढ़ा कि एफ, अब हम देखते हैं एफ में कितने घर हैं, सात घर आ रहे हैं ना एफ में, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात घर हो गए, ठीक है। नाइन में बच्चे को सिर्फ पहचान जो है ना वो शहर तक दी जाती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में बच्चे को शहर भी बताते हैं, घर भी बताते हैं, मोहल्ला भी बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग चूंकि अब इंटर लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों से अगर मैं पूछूंगा ना इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, तो आपको मुझे कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी, सर इस शेल में है, इस ऑर्बिट, इस सब शेल में है और इस ऑर्बिटल में, यानी सर इस शहर के, इस मोहल्ले के, इस घर में। ये है कहानी पूरी SPDF की, पूरी बेसिक ये। कुछ शायद मेरी अब तक बात समझ में आ गई हो, yes, sir. ठीक है ना। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये चीज ना याद रखना कि जो पहला शेल होता है उसमें सिर्फ एक मोहल्ला, एक घर होता है, दूसरे शेल में दो मोहल्ले और चार घर होते हैं, तीसरे शेल में तीन मोहल्ले और कितने, चार, पांच, नौ घर होते हैं, और चौथे शेल में चार मोहल्ले और सात, पांच, बारह, बारह और चार, सोलह, सोलह घर होते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बात और जरा सुन लो कि एक, अच्छा इसको मैं अगले क्वांटम नंबर में समझाता हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यस सर। अच्छा लास्ट है हमारे पास जो चौथा क्वांटम नंबर है बेटा वो है स्पिन क्वांटम नंबर। एस से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा हमने घर की मोहल्ले की शहर की सारी बातें कर ली। अब एक घर में इलेक्ट्रॉन रहते कितने ये देखना है कि एक घर में इलेक्ट्रॉन रहते कितने। तो ये बात याद रखना टू इलेक्ट्रॉन्स पर हाउस ऐसे याद करना। टू इलेक्ट्रॉन्स पर हाउस। एक घर में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे दो से ज्यादा नहीं रहेंगे। और दो इलेक्ट्रॉन भी कैसे रहेंगे एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये क्लॉकवाइज स्पिन है इसको भी समझा देता हूं और ये एंटी क्लॉकवाइज है इसको हम प्लस हाफ से लिखते हैं और इसको हम माइनस हाफ लिखते हैं। इसमें बस ये दो नंबर होते हैं। अच्छा देखो होता क्या है जैसे ये एक ऑर्बिटल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपके फर्स्ट ईयर में भी नोट किया होगा कि जब भी कभी टीचर ने कोई इलेक्ट्रॉन बनाया होगा एक ऐसे ऊपर बनाया होगा छज्जा निकाल के और एक ऐसे उल्टा नीचे बनाया होगा। तो ऐसा बनाने की कोई खास वजह थी वो वजह ये थी बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना दो इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं ठीक है एक ये घूमते तो एक ही मतलब उसमें है यानी कि एक सर्कल में घूमते हैं लेकिन दो चीजें होती है। देखो इसको जमीन से समझो हमारी जमीन क्या है हमारी जमीन दो तरह के रोटेशन करती है एक रिवॉल्यूशन होता है और एक रोटेशन होता है। रिवॉल्यूशन जो होता है हमारी जमीन का वो सूरज के गिर्द होता है वो जो 365 दिन का एक साल होता है तो मतलब हमारी जमीन ने सूरज का एक चक्कर लगा लिया वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन रोटेट भी करते हैं यानी कि वो ऐसे घूम भी रहे यूं पूरे शेल में और ऐसे करके अपने सेंटर के अराउंड भी ऐसे करके रोटेट करते हैं। हमारे हमारी जमीन में दिन और रात क्यों होता है अभी दिन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जमीन का हिस्सा सूरज के सामने है तो दिन हो रहा है और जमीन का आधा हिस्सा भी सूरज के पीछे है तो वहां पर रात हो रही है। अब ये रोटेट करेगी जमीन रोटेट करके जहां पर रात है वहां पर दिन हो जाएगा और यहां पर दिन है तो यहां रात हो जाएगा। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन का चक्कर पता है। रिवॉल्यूशन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का वो तो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। रोटेशन में मसला होता है यानी कि जब मैं बात करूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं तो एक अगर क्लॉकवाइज घूमता है यानी कि क्लॉकवाइज कैसे होता है ऐसे होता है ठीक है। अगर कोई क्लॉकवाइज चीज घूम रही है तो उसे हम क्लॉकवाइज स्पिन कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज उल्टा यानी कि एक की रोटेशन यूं चल रही होगी और दूसरे की रोटेशन यूं चल रही होगी ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें सिर्फ रोटेशन बताता है इसका इतना कोई ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन की जगह बताने में नहीं है उस जगह में इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है ये बताते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्या बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर ऑफबॉ प्रिंसिपल बताऊंगा थोड़ा तेज चलने जल्दी करो। सर ले लिया। अच्छा अब मसला ये है कि सर सीक्वेंस का ठीक है ना कि सर सीक्वेंस वो जो एक होती है ना S1 S2 2S2 2P6 ये सीक्वेंस सर याद नहीं रहती है समझ नहीं आती कि किस तरीके से ये सीक्वेंस आ रही है बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सीक्वेंस का मसला भी हल कर देते हैं आपका। एक ट्रायंगुलर चार्ट बना रहा हूं उस चार्ट को मेरे साथ ड्रॉ कर लो ठीक है। 1s पहले शेल में सिर्फ एक मोहल्ला एक घर दूसरे शेल में दो मोहल्ले दो घर तीसरे शेल में तीन मोहल्ले और घर घर की तादाद तो ज्यादा ही होती है 9 होती है चौथे शेल में चार मोहल्ले और 16 घर ठीक है। पांचवे शेल भी सेम रहता है एस की तरह बस चौथे के बाद सारे शेल एक जैसे ही रहते हैं समझ
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देखो ट्राइंगल ये बनाना मुश्किल नहीं है, पहले में 1s ओनली, 1 और 1s, ठीक है, दूसरे में 2s और 2p, दो हो गए, तीसरे में 3s, 3p, 3d, और फिर तीसरे के बाद सब में चार चार ही रहे, तो ट्राइंगल मेरे ख्याल से मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा। सर आपने 4p दो दफा लिख दिया, 4p दो दफा लिख दिया है, हाँ ये सॉरी बेटा ये 4f था, गलती हो गई, ठीक है अब सही है। सर इसके नीचे भी दो दफा है, अब ठीक लग रहा है, अब कहीं गलती तो नहीं लग रही। यस सर। अच्छा अब देखो अब क्या करना है, अब इनको क्रॉस करते हैं, नहीं नहीं कभी कभार कर लेता हूँ मैं नशा, वो कहते हैं ना जज्बात में बह जाना, बातों बातों में इधर उधर निकल जाता हूँ, कुछ इस तरह का है। अब इनको क्रॉस करना है, ठीक है, क्रॉस कैसे, देखो पहला पहला क्रॉस लगाया 1s, ठीक है, दूसरा क्रॉस लगा दिया 2s, डायगोनल क्रॉस करना है, ठीक है ना, तीसरा क्रॉस लगाया, कौन कौन कटा, 2p कटा और 3s कटा, फिर चौथा क्रॉस लगाया, कौन कौन कटा, 3p कटा, 4s कटा, ठीक है, अगला क्रॉस लगाओ, कौन कौन कटा, 3d कटा, 4p कटा, 5 का s कटा, ठीक है, आवाज आ रही है बेटा आपको सबको सही, बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको, यस सर आ रही है, ठीक ठीक, अगला क्रॉस लगाता हूँ, कौन कौन कटा, 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, अगला क्रॉस लगाया, कौन कौन कटा, 4f, 5d, 6p, 7s, अगला क्रॉस लगाओ, कौन कौन कटा, 5f, 6d, 7p, अगला क्रॉस लगाओ, कौन कौन कटा, 6f, 7d, अगला क्रॉस लगाओ, कौन कटा, 7d, 7f, वेरी गुड, 7f। अब मेरे ख्याल से सीक्वेंस में भी मसला नहीं होगा, सीक्वेंस भी समझ में आ गई होगी कि सीक्वेंस किस तरीके से लाया हूं, ठीक है। अब आखिरी एक बात नोट करा रहा हूं, बस उसको सुन लो, देखो हमेशा याद रखना एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब किसमें कितने घर होते हैं, देखो एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जितने घर जितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो, घर पता चल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक घर, 6 इलेक्ट्रॉन 3 घर, 5 10 इलेक्ट्रॉन 5 घर, 14 इलेक्ट्रॉन 7 घर, ठीक है, ये सीक्वेंस भी आ गई, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी पता चल गई। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आसान हो गया सारा मामला, सब समझ में आ गया। अब मैं दुनिया जान का कोई सा भी एटॉमिक नंबर उठाकर दूंगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे उसकी या नहीं? यस सर। ठीक है, जितनी सारी बात समझाइए ना, वो सारी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस्तेमाल में नहीं आती, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बस ये याद रखो और ये याद रखो काफी है, लेकिन वो सारी बात समझाना इसलिए जरूरी था कि ये सब मैं ला कहां से रहा हूं, ये मंतके मैं कहां से बता रहा हूं, ये भी तो पता चले ना आपको, अधूरी नॉलेज तो नहीं दे सकते, देनी तो पूरी नॉलेज है ना भाई, इसलिए वो पूरी पिछले क्लास की और आज की क्लास की मंतव्य हुई, असल चीज समझानी बस ये था, इन दो को समझ लो कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, सही है भाई। अच्छा अब मोस्टली, ठीक है बेटे गुड, अच्छा अब मोस्टली आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास मैक्सिमम आ जाती है वो कहां तक आ जाती है, मैक्सिमम जो आ जाती है ना, मैक्सिमम आपके कोर्स के अलावा बात कर रहा हूँ, पहले आपको कोर्स बता देता हूँ, आपके कोर्स के अंदर जो मैक्सिमम आ जाती है वो आ जाती है 50 एटॉमिक नंबर तक, 30
आपके कोर्स में जो बेटा मैक्सिमम आ जाती है ना वो यहाँ तक आ जाती है 5P तक, यानी 1S से लेकर 5P तक आपके कोर्स में मैक्सिमम आती है, इससे आगे वाली आपके कोर्स में आती नहीं है। ठीक है, इससे आगे वाली आपके कोर्स में नहीं आएगी, बस यहाँ तक आपकी आपके कोर्स में आ जाती है। तो कम से कम आप ये वाली जो सीक्वेंस है, क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना तो मुझे भी ये पूरी सीक्वेंस याद नहीं है, होती नहीं है यार, कहीं एस आ रहा है, कहीं पी आ रहा है, कहीं डी आ रहा है, कहीं एफ आ रहा है, कहाँ कहाँ बंदा याद रखेगा। अलबत्ता मुझे यहाँ तक तो याद है, 5P तक तो मुझे याद है, तो मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि 5P तक तो कम से कम याद रखो। और ये 5P सर कहाँ कहाँ तक के एटॉमिक नंबर को कवर कर देता है, 50 तक के एटॉमिक नंबर कवर हो जाते हैं। अब सर मिसाल के तौर पर पेपर में 70 आ गया सर, अब क्या करेंगे बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं है, एक ट्राइंगल ऐसा बना लेना, 5P तक तो 50 तक तो आ ही जाओगे ना, 50 भी नहीं 52 तक ले आएगा, 52 तक तो आ ही जाओगे, उसके बाद ट्राइंगल बना कर आगे देख लेना 70 तक कहाँ जा रहा है, बस खत्म हो गई बात। तो मुश्किल चीज़ नहीं है, आसानी आप खुद अपने लिए पैदा कर सकते हैं, सही हो गया। अब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता रहा हूँ, फिर तुम लोगों को तुम्हारा होमवर्क दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया, यस सर, यस सर। अब रैंडमली अपनी मर्जी का कोई नंबर चूज कर लो, मैं अपनी मर्जी से ले लूं या आप ले दें? सर आप दे दें। 43 ले लो, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने, 43 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है और इसका मुझे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने, कोई मसला नहीं है। क्या होता है भाई, सबसे पहले होता है 1s2, क्योंकि मुझे पता है s में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो ऊपर मैं पावर में लिखूंगा ना वो इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखूंगा, ठीक है ना, s में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं मुझे पता है। फिर आता है 2s, उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर आता है 2p, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर आता है 3s, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर आता है 3p, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर आता है 4 का s, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर आता है 3 का d, d में मुझे पता है 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने हो गए, जरा गिनो, लो इलेक्ट्रॉन बांटे चले जा रहे हैं, पहले गिनो लो। हां भाई 10 20 30 हो गए, 30 हो गए, ठीक हो गया। आगे देखते हैं 3d के बाद कौन आता है, 3d के बाद आता है 4p, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सही है। और 4p के बाद आता है 5s, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने हो गए, 10 20 30 36 और 2 38। 5s के बाद 4 का d आता है और 38 हो गए, 38 5 43 हो गए। अब देख लो 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 38, 5, 43। अब बोल, कोई बोले सर डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपने 5 क्यों लिखे? भाई हमारे पास बचे ही 5 है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ आ रहा हूँ, पिछले वालों में मैंने पूरे इसलिए दी क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अब आखिर में मेरे पास बचे ही 5, तो मैं 5 ही दूंगा, मैं 6 तो दे नहीं सकता, मैं 7 तो दे नहीं सकता। अच्छा 5 बचे तो मैं 4 और 3 भी नहीं दे सकता, क्योंकि फिर 1 तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाऊंगा, तो जितने बचे हैं उतने मैंने उसमें डाल दूंगा। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क सुनो, होमवर्क आपका यह है, क्योंकि अब आपकी क्लास कमिंग मंडे को होगी, होमवर्क आप लोगों का बेटा कुछ इस तरीके से है कि 1 से लेकर 118 तक इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दो मुझे, करो करके मुझे सब बच्चे इमेजेस भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप के प्राइवेट नंबर पे पीडीएफ बनाकर। एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो कैम स्कैनर, उस कैम स्कैनर के जरिए पीडीएफ्स बनाओ, मतलब तस्वीरें खींचकर उसकी पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ बनाकर मुझे मेरे व्हाट्सएप के प्राइवेट नंबर पे भेज दें या गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दें। अगर गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे मैं ये कहूंगा कि व्हाट्सएप पे मुझे प्राइवेटली भेज दीजिएगा, मैं सबको चेक करके बताऊंगा। नेक्स्ट वीक में क्लास में उन्हीं बच्चों को आने दूंगा मंडे को जिनका ये असाइनमेंट मुझे मिला होगा, जिनका असाइनमेंट नहीं मिलेगा मैं उनको क्लास में एंटर नहीं करूंगा, ना मैं उनको वीडियो दूंगा, मैं उनको गूगल क्लासरूम से भी निकालूंगा, ठीक है। और अगर अब कोई कंफ्यूज हो, वन से 118 तक जितने एलिमेंट है टोटल उनकी, 1 से लेकर 118 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। 1 कैसे होगा सर, 1 ऐसे होगा बेटा 1s1, खत्म हो गई 1, बस 1 ऐसे हो गया। 2 कैसे होगा सर बेटा, 2 ऐसे होगा, 1s2, खत्म हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन बस उतने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सही है।
तो ये मुझे नेक्स्ट वीक तक आप करके देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से फर्स्ट ईयर की मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, दो 40-40 मिनट की दो वीडियोस हैं, तकरीबन 80 मिनट का लेक्चर है वो। मैं वो आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, तो अगर किसी को कंफ्यूजन रहती है, बाद में प्रैक्टिस करने के दौरान परेशानी होती है, तो आप उन वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा। बल्कि मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग उन वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा दोनों को। जो बात आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने बताई हुई है वो भले ही स्किप कर देना, लेकिन जो बात नहीं बताई गई उसे सुन लेना, क्योंकि काम आएगा तुम्हारे एप्टीट्यूड में भी, और एप्टीट्यूड में तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होता है उसमें फंसोगे नहीं, मेरी गारंटी हो जाएगी। तो मैं वीडियोस आज ही अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे वो वाली, तो वो लाजमी देख लेना। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, असाइनमेंट समझ में आ गया, वीडियो को समझ में आ गया? यस सर।